ये है देश का सबसे धोखेबाज लड़का, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10 लड़कियों की जिंदगी को नरक बना दिया। एक साथ 10 युवतियों से की शादी, सभी के दस्तावेजों में पति के तौर पर दर्ज करवाया अपना नाम। ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच्चाई से उठेगा पर्दा और आप रह जाएंगे हक्के बक्के। आदमी एक और पत्नियां 10, फ्रॉड सैया ने खेला ऐसा खेल कि सब कुछ लुट गया और बिन ब्याही दुल्हन बन गईं 10 लड़कियां। स्नेहा पत्नी संदीप गोदारा, कविता पत्नी संदीप गोदारा, प्रियंका पत्नी संदीप गोदारा, ज्योति पत्नी संदीप गोदारा। ये ना कोई इत्तफाक है और ना ही कोई टाइपिंग मिस्टेक। पति का नाम ही नहीं, इन महिलाओं की कहानी में कुछ और चीजें भी हैं जो कॉमन हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं तलाकशुदा हैं और ये सभी हिंदुस्तान के सबसे धोखेबाज युवक की पत्नियां हैं। देश के नंबर 1 धोखेबाज शख्स का नाम संदीप है, जो उम्र में बड़ी लड़कियों को और महिलाओं को फंसाता है। शादी का झांसा देकर संदीप ने इनसे फिजिकल रिलेशन बनाए, प्राइवेट मूवमेंट की वीडियो बनाई और फिर पैसों के लिए इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया। मामला सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। जब मामले की जांच शुरू हुई तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। एक एक कर 10 युवतियों की कहानी आपको बताएंगे और हर कहानी सुनकर आप कुर्सी से उछल जाएंगे। इतनी बड़ी जालसाजी शायद ना आपने कभी देखी होगी और ना कभी ऐसी सुनी होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। सबसे पहले स्नेहा की आपबीती सुनिए। स्नेहा की माने तो मेरा पति के साथ तलाक का केस चल रहा था, इसी दौरान संदीप गोदारा फेसबुक पर मुझसे जुड़ा। मैसेज के जरिए हमारी ऑनलाइन बात होने लगी। मुझे वो अच्छा लड़का लगा, वो मेरे घर भी आने लगा। तब उसे पता चला कि मेरा पति से तलाक का केस चल रहा है। उसने मुझसे कहा कि वो जल्द ही तलाक करवा देगा। वो किसी न किसी बहाने से हर रोज घर आने लगा, लेकिन उस वक्त मैं उसकी साजिश समझ नहीं पाई। इसी बीच संदीप ने उसे प्रपोज कर दिया और कहा कि तलाक के बाद तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हारी पिछली जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यूवी रेजिडेंस के फ्लैट में रहने लगी तो वो रोज आने लगा। कुछ समय बाद हम लिव इन में रहने लगे। मेरा 24 मार्च 2022 को तलाक हो गया। वहीं संदीप को तलाक का फैसला जल्दी नहीं आने की उम्मीद थी। तलाक का फैसला आने पर मैंने उसे शादी करने को कहा तो बोला कि जल्द ही कर लूंगा, लेकिन बार बार कहने के बाद संदीप मेरा आधार कार्ड ले गया और उसमें बतौर पति अपना नाम जुड़वा कर ले आया। बोला अब डॉक्यूमेंट में नाम एडिट हो चुका है, जल्द ही शादी कर लेंगे। जिस फ्लैट में मैं रहती थी संदीप ने वो खाली करवा लिया। इसके बाद वो मुझे रामेश्वर रेजिडेंसी में रहने के लिए ले गया। यहाँ रिकॉर्ड के लिए आधार कार्ड ही जमा करवाया था। इसके कुछ दिन बाद आरोपी ने 8 अगस्त को जगदम्बा कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने के लिए छोड़ दिया। संदीप का टारगेट ऐसी लड़कियां होती जिनके पास पैसा और घर वालों से संपर्क ना हो। ऐसी लड़कियों से संदीप हाय हेलो के मैसेज भेजकर बात शुरू करता था। चैटिंग के जरिए वो पता लगाता था कि लड़की की इनकम कितनी है। जब पता चल जाता था कि लड़की के पास पैसा है और घर वालों से ज्यादा संपर्क नहीं है तो वो उसे अपने जाल में फंसा लेता था। हालांकि उसने कई ऐसी लड़कियों को भी फंसाया जो परिवार के साथ रहती थी। संदीप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बात होने के बाद लड़की से नंबर लेता था। इसके बाद वो लड़की का विश्वास जीतने के लिए 1 महीने तक सिर्फ फोन पर बातें करता था, मिलने के लिए बिल्कुल नहीं कहता था, ताकि लड़की को विश्वास हो जाए कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। इस दौरान वो खाना खाते, घर निकलते, दिन भर की हर एक्टिविटी वीडियो कॉल करके बताता था। अकेली रहने वाली लड़की इतना समय देने पर उसके झांसे में आने लगती और इसके बाद संदीप आगे का दांव चलता था। लड़कियों से बातचीत करते समय वो पता लगाता था कि लड़की को किस बात की सबसे ज्यादा टेंशन रहती है या कमजोरी क्या है। अगर लड़की के परिवार में झगड़े होते हैं तो सहारा बनने का दिखावा करता। जॉब की टेंशन होती तो बिजनेस करने के सपने दिखाता। कोई लड़की पति से तलाक लेना चाहती उसमें मदद करता था। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए संदीप बताता है कि वो एनजीओ के लिए काम करता है, जहां वो दिव्यांग और गरीब बच्चों की मदद करता था। इसके बाद वो कई बार लड़की को अपने साथ ले जाकर गरीब बच्चों की मदद करने का दिखावा करता था। कई बार मंदिर और शिविर में गरीब लोगों में थोड़ा पैसा खर्च करता था, ताकि लड़कियों को लगे कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। संदीप लड़की को विश्वास दिलाता था कि उसने अपने घर पे सबको बता रखा है, जल्द ही वो उससे शादी भी करेगा। लड़कियों को विश्वास दिलवाने के लिए वो अपने छोटे भाई प्रदीप से फोन पर बात भी करवाता। इसके बाद उसका छोटा भाई संदीप की गर्लफ्रेंड को भाभी बोलकर फील करवाता था कि वो एक परिवार की सदस्य है। फिर कभी बर्थडे गिफ्ट, प्रॉब्लम में फंसने के बहाने हजारों रुपए उधार ले लेता था।
संदीप लड़कियों से सबसे पहले 15,000 से 20,000 रुपए के छोटे अमाउंट उधार लेता था, फिर वो अमाउंट कुछ ही दिन में लौटाकर उनका विश्वास जीतता था। इसके बाद वो बिजनेस में किसी पार्टी को तत्काल पेमेंट करने की प्रॉब्लम बताकर लाखों रुपए उधार ले लेता था। ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक लड़की पैसे देने से मना नहीं कर दे। संदीप लड़कियों को बताता था कि बिजनेस में लॉस के कारण किसी फाइनेंसर को उसे लाखों रुपए लौटाने हैं। लड़की के 10 से 15 लाख रुपए देने से मना करने पर वो उन्हें सुसाइड करने की धमकी देता था। वो फंदे पर लटकने की तैयारी के फोटो भेजता था। इसके अलावा नींद की गोलियों की दवाई की फोटो भेजता था कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो सुसाइड कर लेगा। लड़की शादी के झांसे में नहीं आती तो भी इमोशनल ब्लैकमेल के लिए यही तरीका अपनाता था। उन्हें भरोसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठने लगता। पीड़िता ने बताया कि वो अकेली युवती नहीं है, ऐसी 10 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनको फंसा कर रेप कर चुका है। पीड़िता के मुकदमा दर्ज करवाने के बाद वो जयपुर भाग गया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे जयपुर के ट्राइटन मॉल से गिरफ्तार किया। अब सीकर पुलिस आरोपी संदीप गोदारा से पूछताछ कर रही है। संदीप के फेसबुक प्रोफाइल को अगर खंगाला जाए तो वो लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन मालूम पड़ता है और तरह तरह के फोटोज उसने मॉडल की तरह खिंचवा कर डाल रखे हैं। इन्हीं फोटोज को दिखाकर वो लड़कियों को फंसाता था और उसके बाद उन्हें लूटता था, लेकिन अब जनाब सलाखों के अंदर कैद हैं। ऐसे में तमाम लड़कियों और महिलाओं से हमारा अनुरोध है कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे या फिर आपके साथ फ्लर्ट करे तो आप सावधान रहें, वरना आपका घर बार भी लुट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।